कि संदेशकाली हिंसा को लेकर शिवसेना उद्धव गुट के नेता संजय राउत का भी बयान आया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि संदेशकाली जाने वाले बीजेपी के तोते हैं। ये तंज किया है संजय राउत ने, और शिवसेना उद्धव गुट के नेता हैं और संदेशकाली के मामले पर जिस तरीके से सियासी घमासान मचा हुआ है, संजय राउत ने क्या कुछ कहा है सुनवाते हैं आपको। पश्चिम बंगाल के संदेशखली में जो हिंसा हुआ है उसको लेकर एनसीडब्ल्यू के चीफ है कार्य वहाँ राष्ट्रपति वो तो बीजेपी के हैं। देखिए वो बीजेपी के सब तोते हैं, जाएंगे आपके जहाँ राज्य है वहाँ क्या हो, महाराष्ट्र में आकर देखिए क्या हो रहा है। ये जो है महिला अध्यक्ष, आप आइए महाराष्ट्र में, आपको बताता हूँ क्या चल रहा है आजकल, या यूपी में क्या चल रहा है, हाँ देखिए ना क्या चल रहा है। पश्चिम बंगाल को आप टारगेट कर रहे हो। बीजेपी आरएसएस की कमीशन बन गए हैं, तो प्रेजेंट रूल का अर्थ ये है बीजेपी आरएसएस के रूल, तो जौली कुमी डांगा बाघ एर मत नहीं अवस्था हो जाए, तो से जो प्रेजेंट रूल बेपार ना बेपार सरकार एर टीएमसी सरकार जा गुंडागर्दी कर सरकार बिरुद्धे जनगणर मत সেটা মোবিলাইজ করার জন্য সেটা আমাদের চেষ্টা। तो इस समय की बड़ी खबर आपको बता दें, संदेशखाली जा रही हैं वृंदा करात भी। तो देखिए किस तरीके से इस मामले के ऊपर इसे तूल देने को लेकर बीजेपी और सीपीएम और साथ ही कांग्रेस भी इस मामले के अंदर जुटी हुई है। टीएमसी के खिलाफ जिस तरीके से ये मोर्चा बनाने की कोशिश हो रही है, देखिए तो एक तरीके से वृंदा करात भी इस समय संदेशखाली जाने की कवायद के अंदर लगी हुई है। सीधे रुख करते हैं, मेरे सहयोगी विक्रम दास लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विक्रम, अगर देखा जाए तो अधीर रंजन चौधरी भी संदेशखाली जाना चाहते थे, शुभेंदु अधिकारी भी संदेशखाली जाने के रास्ते में है, वृंदा करात भी संदेशखाली जा रही है, यानी पश्चिम बंगाल की सियासत में कहीं ना कहीं टीएमसी पर चौतरफा हमले हो रहे हैं। एक बार फिर करते हैं मेरे सहयोगी विक्रम दास का भी, लेकिन आज समय की बड़ी खबर आपको बता दें, जहां एक तरफ बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी रवाना हुए हैं संदेशखाली जाने के लिए, तो वहीं वृंदा करात भी संदेशखाली जाने की कवायद के अंदर हैं। और संदेशखाली जाने से पहले वृंदा करात ने कहा है कि ये जो राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग हो रही है, ये एक तरीके से बीजेपी और आरएसएस का शासन हो जाएगा। हमारी कोशिश है कि टीएमसी के शासन के अंदर जो गड़बड़ियां हो रही हैं उसके ऊपर जनमत को मोबिलाइज किया जाए, जनता को इसके मामले के अंदर जागरूक किया जाए, और इसी कड़ी के अंदर वो संदेश खाली जाना चाह रही है। तो वृंदा करात ने क्या कुछ कहा है, किन सवालों के साथ में ममता बनर्जी पर हमला बोला है, सुनवाते हैं आपको। That is a completely politically motivated demand. अगर प्रेसिडेंट रूल लगाना है तो पहले मणिपुर और उत्तर प्रदेश में लगाइए, क्योंकि ये प्रेसिडेंट रूल नहीं है। ये लोग जो तथाकथित अपने को ऑटोनोमस कमीशन बोलते हैं, ये सब अनफॉर्चुनेटली बीजेपी आरएसएस के कमीशन बन गए हैं। तो राष्ट्रपति शासन की मांग जो है वो राजनीति से प्रेरित है, ये सवाल खड़ा किया है वृंदा करात ने। और साथ ही वृंदा करात ने कहा है कि राष्ट्रपति शासन लगाने का मतलब होगा सीधे सीधे बीजेपी और आरएसएस का शासन, जबकि सीपीएम की कोशिश है कि टीएमसी के राज के अंदर जिस तरीके से गड़बड़ियां हो रही हैं उसके ऊपर जनमत जागरण किया जाए, लोगों को मोबिलाइज किया जाए। और संदेशखाली में आखिर संग्राम क्यों है वो भी आपको बता देते हैं। तो देखिए टीएमसी नेता शाहजहां शेख की गिरफ्तारी को लेकर मांग उठ रही है, लगातार दो दिन से बीजेपी कार्यकर्ता प्रदर्शन कर रहे हैं। शुभेंदु अधिकारी दो बार ये कोशिश कर चुके हैं कि वो संदेशखाली जा सके, साथ ही राष्ट्रीय महिला आयोग भी संदेशखाली पहुंचा था। टीएमसी नेता पर महिलाओं ने कई गंभीर आरोप लगाए हैं इस मामले के अंदर। राजभवन की तरफ से भी कहा गया है कि जो महिलाएं संकट में हैं, परेशानी में हैं, वो राजभवन आ सकती हैं, उन्हें वहां पर शरण भी मिलेगी। शाहजहां शेख पर गांव में अशांति फैलाने का आरोप है, और संदेशखाली का यह पूरा मामला दक्षिण 24 परगना का है, और इस इलाके के अंदर सियासत भी लगातार गरमाई हुई है इस मामले को लेकर और संदेशखाली की घटना को लेकर। केवल बीजेपी ही नहीं बल्कि टीएमसी के खिलाफ कांग्रेस और सीपीएम भी लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। तो देखिए संदेशखाली पर सियासी घमासान की दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, एक तरफ विरोध प्रदर्शन करती हुई इन महिलाओं की तस्वीरें, इनका चेहरा साफ हम इसलिए नहीं दिखा रहे हैं क्योंकि इनकी तरफ से बेहद गंभीर आरोप लगाए गए हैं, और वो आरोप हैं जो दुष्कर्म के आरोप हैं, यौन शोषण के आरोप हैं। और ऐसे में इन पीड़ितों से मुलाकात करने के लिए शुभेंदु अधिकारी एक बार फिर रवाना हुए हैं, हाईकोर्ट से उनको अनुमति मिल गई है। जीनी।